ईरान में हैकरों ने वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की लाइव कवरेज कुछ देर के लिए रोक दी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के भाषण का सीधा प्रसारण इंटरनेट पर भी किया जा रहा था, लेकिन तभी ईरान के हैकरों ने इस लाइव कवरेज को एक मिनट तक रोक दिया। इससे पहले वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ईरान की इस्लामिक क्रांति की 44वीं वर्षगांठ पर देश को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान हैकरों ने इस लाइव भाषण को इंटरनेट पर कुछ देर तक चलने नहीं दिया। कहा जा रहा है कि ये हैकर वहां की सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के समर्थक और हिजाब पर बने सख्त कानून के विरोध में, इसी वजह से उन्होंने ये हरकत की। इस बीच ईरान में हिजाब के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शन और तेज हो गया। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में हजारों लोगों ने इस मुद्दे पर मार्च निकाला। इधर केंद्र सरकार ने ऑनलाइन दवा बेचने वाली फार्मा कंपनियों पर सख्ती की तैयारी शुरू कर दी। कई ऑनलाइन फार्मा कंपनियों पर आरोप है कि वो लाइसेंस लिए बिना ही ऐसी दवाएं बेच रही हैं जिन्हें डॉक्टर के पर्चे के बगैर नहीं दिया जा सकता, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 20 फार्मा कंपनियों पर शिकंजा कस दिया। सरकार की तरफ से फार्मा कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ने सरकार के इस कदम को सही बताया। उत्तराखंड में फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं जो नकली मेडिसिन थी। जयपुर में ऐसे एक केस आया था। जिन 20 कंपनियों को नोटिस दिया गया उनमें अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं। उधर खबर है कि यूक्रेन को हथियार बेचकर पाकिस्तान ने रूस को धोखा दे दिया। दावा है कि पाकिस्तान ने बीते कुछ महीनों में ज़ेलेंस्की की सेना को रूस के खिलाफ हजारों रॉकेट की सप्लाई की, और वो भी छुपते छिपाते, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि ये बात रूस को पता चले कि वो रॉकेट देकर यूक्रेन की मदद कर रहा है। लेकिन ये खबर ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाई और दुनिया के सामने आ गई। दावा है कि पाकिस्तान ने बीते कुछ महीनों में यूक्रेन को 10,000 से ज्यादा रॉकेट भेजे ताकि जंग के मैदान में ज़ेलेंस्की के सैनिकों के कंधे रूसी फौजियों के मुकाबले मजबूत रहें। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन रॉकेटों की सप्लाई जर्मनी और पोलैंड के रास्ते हुई, और ये सिलसिला जंग के बढ़ते दिनों के साथ जारी रहा। हाल में भी पाकिस्तान के यूक्रेन को हथियार भेजने की खबरें हैं। दावा किया गया कि फरवरी की शुरुआत में ही पाकिस्तान के कराची पोर्ट से एक जहाज रवाना किया गया था जो पहले जर्मनी पहुंचा और वहां से पोलैंड होते ही यूक्रेन के लिए रवाना हुआ। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से यूक्रेन की मदद इसीलिए की क्योंकि वो ये बात जानता है कि अगर ये रूस को पता चला तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है और उसकी इस हरकत से पुतिन नाराज हो सकते हैं। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो रूस से सस्ता कच्चा तेल लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुतिन ने इससे इनकार कर दिया। उसी के बाद पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। इस बीच इंग्लैंड के लिवरपूल में कुछ लोगों ने एक होटल के बाहर जमकर हंगामा किया। इस होटल में सरकार ने दूसरे देशों से आए शरणार्थियों को रुकने की जगह दी थी, जिससे भड़के लोग उस होटल के सामने जमा हो गए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखते ही देखते हंगामे में बदला और उन लोगों ने पुलिस वालों पर पटाखे छोड़ दिए, जिससे वहां मौजूद पुलिस की गाड़ी में आग लग गई। इस हमले के बाद उन्हें वहां से हटाने के लिए कई पुलिस वाले आगे आए और भीड़ को वहां से खदेड़ा। लिवरपूल पुलिस के मुताबिक इस हमले के आरोप में अब तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।